Hi everyone, welcome to Antara Squad. In today's video, we are going to discuss in detail about Yogendra Singh. Now, Yogendra Singh जो है हमारे syllabus में directly नहीं आते हैं, but उनके काफी सारे ऐसे theories हैं जो अलग-अलग जगहों पे fit होती है. One such thing is the theory of social change. हम लोगों ने social change की theories देखी है. उसमें योगेंद्र सिंह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो इन टुडेज वीडियो हम लोग बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे उनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके एरिया से. ओके, नाउ बिफोर आई स्टार्ट मैं आप लोगों को याद दिला दूं, प्लीज डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, दैट इज @AntaraChak. इस पर मैं काफी सारे रीडिंग मटीरियल्स, टिप्स, पोलिंग डालती रहती हूँ. YouTube तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, क्योंकि वहां पर मैं मेन एजुकेटर हूँ. वहां पे मैंने नेट के सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं. इनफैक्ट आई हैव कवर्ड द होल कोर्स, सो आई कैन गाइड यू अबाउट दिस टुवर्ड्स द एंड, बट लेट अस नाउ गो अहेड एंड लर्न अबाउट योगेंद्र सिंह. सो पहले हम लोग उनके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं. He was born on 2nd November 1932 in Lucknow, Uttar Pradesh. So he is not somebody who is of the contemporary century or the recent times. In fact, he belongs to 1932, which is काफी back. Okay. And one must ask, what is his approach? So Yogendra Singh जो है एक Indian sociologist है, लेकिन उनका approach क्या है? He is not a functionalist, not a Marxist. तो ना ही वो एक मार्क्सिस्ट है ना ही वो एक फंक्शनलिस्ट है. तो उनको हम किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते. उनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो काफी हद तक मिक्स्ड थी. ओके, सो जैसे कि उनका सबसे फेमस स्टडी आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, उस पर उन्होंने काफी सारे मेथड्स यूज की हैं, जस्ट लाइक द स्ट्रक्चरल फंक्शनल हिस्ट्री, द स्ट्रक्चरल हिस्ट्री, स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चरल मार्क्सिस्ट अप्रोचेस एंड मेनी अदर अप्रोच which make his study more of a transdisciplinary and more like an integrated approach. तो उनको हम लोग specifically Marxist या फिर specifically functionalist नहीं कह सकते. तो उनका सबसे important जो theories है, number one is social stratification, number two is मॉडर्नाइजेशन. तो उनकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट किताब है, दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस. उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं नेट में, सो वी विल गेट टू सी व्हाट इट इज. लेट्स गो अहेड एंड सी और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में. सो नाउ फर्स्ट लेट्स कवर अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कि उनके क्या व्यूज है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे. हम लोगों ने स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब देखा है, जहाँ पर सोसाइटी में डिफरेंस होती है कि आप और मैं सेम नहीं हूँ. बट इट्स नॉट जस्ट दैट, सोसाइटी में हायरार्की भी होना बहुत जरूरी है, तो ही जाके हम उसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कह सकते हैं. अगर ऐसा है कि आप और मैं अलग है, लेकिन मैं कहूँ कि मेरा कास्ट आपसे बेटर है, देन दैट विल टेक द शेप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. तो वो कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं? द कास्ट सिस्टम इज सीन एज अ स्टेटस इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया. तो हमारे इंडिया में कास्ट को हम लोग एक स्टेटस की तरह लेते हैं. अगर आप हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके हायर स्टेटस होगी, एंड इफ यू समबडी फ्रॉम द लोअर कास्ट देन मे बी यू डोंट हैव दैट मच स्टेटस एज द हायर कास्ट हैज. Now another thing that he talks about is the class structure. He says that both are connected. हम इंडिया में कास्ट और क्लास को अलग तरीके से नहीं देख सकते. ओके, देर आर ओवर लेयरिंग स्ट्रक्चर्स विच एग्जिस्ट इन द इंडियन सोसाइटी विच काउंट्स टू कंबाइन बोथ कास्ट टू क्लास एंड दे आर रिकग्नाइज्ड वेरी क्लियरली. काफी सोसाइटीज में आप लोगों ने देखा होगा कि कास्ट और क्लास काफी हद तक एक साथ जाते हैं. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट मिस आउट ऑन इट. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली PYQ में पूछा था नेट में कि किसने कहा था कि कास्ट और क्लास काफी कनेक्टेड है, तो इसका आंसर हमारा योगेंद्र सिंह हो जाएगा. In his book Essays on Modernization in India, 1977, Singh has analyzed varied and complex processes in modernization. तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो JNU का जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, योगेंद्र सिंह इज वन ऑफ द मेजर फाउंडर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट बैक व्हेन JNU वाज फॉर्म्ड. सो ही हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी. पहले जो था योगेंद्र सिंह हमारे एक मेजर थिंकर्स में आते थे, बट अभी हमारे नए सिलेबस के अंदर उनका नाम मेजर सिलेबस से हटा दिया गया. बट ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लोग ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, सोशल चेंज इनके बारे में कहते हैं. ओके, तो उनका जो बेसिक फोकस था वॉज ऑन मॉडर्नाइजेशन, कि कैसे इंडिया मॉडर्नाइज हुआ, इंडिया का अप्रोच क्या था मॉडर्नाइजेशन की तरफ. सो दीज आर हिज प्राइमरी एरियाज. His emphasis was on historicity in preference to universality. तो यहाँ पर एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है जो कि सिंपल भाषा में है, हिस्ट्री.
और कैसे हम लोग हमारे इंडियन हिस्ट्री जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी उसके हिसाब से हम लोग मॉडर्नाइजेशन को कैसे देखते हैं। हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन मतलब ब्रिटिश की तरह होना या फिर वेस्टर्न कल्चर की तरह होना। सो फॉर अस इट इज ऑलवेज अबाउट बीइंग लाइक देम, बीइंग एज सिविलाइज्ड लाइक देम। तो उन्होंने काफी सारी चीजें इन चीजों पे बताई है और उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिवाइड किया है दो अप्रोचेस में जो अभी हम लोग देखेंगे। सो हिज थियोरिटिकल अप्रोचेस इंक्लूड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अबाउट कि वो रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर से काफी चीजें उन्होंने ट्रेडिशन को समझाने के लिए लिया है, जैसे कि बिटवीन हेटेरोजेनेटिक और एक्सोजेनस एंड ऑर्थोजेनेटिक और एंडोजेनस सोर्सेस ऑफ चेंज। तो हमारे पास जो चेंज होती है सोसाइटी में वो दो तरीके की हो सकती है, नंबर वन इज हेटेरो, अनदर वन इज ऑर्थो। ओके, सो हेटेरो कौन सा है? अगर चेंज आपके बाहर के किसी रीजन से हो रही है तो वो हेटेरोजिनस चेंज हो जाएगा। ऑर्थोजेनेटिक वो होगा अगर आपके सोसाइटी के अंदर ही इंटरनल किसी रीजन के वजह से चेंजेस आ रही है तो उसे हम लोग ऑर्थोजेनेटिक कहेंगे। सो वी विल सी व्हाट इट इज इन द अपकमिंग स्लाइड्स। तो हमारा और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज वो है कि उन्होंने रेडफील्ड का जो एक आइडिया था, लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन, उसको भी उन्होंने अपने ही थियोरी में इनकॉर्पोरेट किया टू डिवाइड अदर फॉर्म्स ऑफ कैटेगरीज लाइक माइक्रो स्ट्रक्चर मैक्रो स्ट्रक्चर। तो इसी लिटिल ट्रेडिशन को योगेंद्र सिंह ने माइक्रो स्ट्रक्चर कहा और ग्रेट ट्रेडिशन को मैक्रो स्ट्रक्चर कहा। फाइनली द डिरेक्शन ऑफ चेंज इज रिप्रेजेंटेड इन अ लीनियर इवोल्यूशनरी फॉर्म। मैंने आप लोगों को समझाया था कि लीनियर इवोल्यूशनरी वाले लोग कौन से हैं, जो समझते हैं कि सोसाइटी जो है इस पॉइंट से शुरू हुआ है और फिर धीरे धीरे वो सीधे लाइन से आगे बढ़ता जा रहा है। सो बेसिकली ही सेज कि हमारा सोसाइटी भी पहले बहुत ही ट्रेडिशनल हुआ करता था और अभी अभी हम लोग अपने आप को मॉडर्न मानते हैं। ओके, सो ट्रेडिशनल टू मॉडर्नाइजेशन एक लीनियर प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ पर ट्रेडिशनलाइजेशन में सारे हमारे ऑर्थोजेनेटिक पैटर्न्स आ जाएंगे, जो भी चेंजेस हमारे सोसाइटी में अपने ही अंदर के किसी रीजन के वजह से हुआ है सो वो सारे आ जाएंगे। और मॉडर्नाइजेशन में सारे जो हेटेरोजेनेटिक कॉन्टेक्ट्स है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो भी कॉन्टेक्ट्स रहे हैं उसके बारे में। सो हियर ही गिव्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ संस्कृताइजेशन कि संस्कृताइजेशन को हम ऑर्थोजेनेटिक कह सकते हैं या फिर कल्चरल चेंज भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि संस्कृताइजेशन में विद इन कास्ट पीपल इमिटेट ईच अदर, वेरस हेटेरोजेनेटिक में वो इस्लामाइजेशन को एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे इस्लाम का असर जो था दूसरे कंट्रीज से आके यहाँ पर उन्होंने दे अफेक्टेड द कल्चरल पैटर्न्स ऑफ दिस रीजन। सो अगर आप लोगों को की वर्ड इस्लामाइजेशन देखे तो प्लीज रिमेम्बर द आंसर विल बी योगेंद्र सिंह, जबकि संस्कृताइजेशन ओरिजिनली हमारा एम एन श्रीनिवास का है बट ही इनकॉर्पोरेट्स इट टू एक्सप्लेन किस टाइप का चेंज सोसाइटी में होता है। सो उनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज 1973 मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इस पे बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं। अनादर इंपॉर्टेंट वन इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, ये भी हमारे PYQ में आ चुका है। इसके अलावा ही हैज मेनी बुक्स लाइक एसेज इन मॉडर्नाइजेशन, इमेज ऑफ मैन, देन ही हैज इंडियन सोशोलॉजी, सोशल कंडीशनिंग, सोशल चेंज इन इंडिया। तो देखो उनके किताबों पे सोशल चेंज की बात बहुत आ रही है, सोशोलॉजी ऑफ कल्चर, आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशोलॉजी, कल्चर चेंज इन इंडिया, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन एज अ को ऑथर। सो दीज आर सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट योगेंद्र सिंह। ऑल्सो पीपल आई वुड बी गाइडिंग यू ऑन एन अकेडमी फॉर द जून 2020 नेट एग्जाम। तो अगर आप लोग चाहे अभी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अन अकेडमी प्लस में। आई विल गिव यू रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस जहाँ पर आप मुझे लाइव मेरे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यू हैव वीकली क्विजेस, डाउट क्लियरिंग एंड द बेस्ट पार्ट इज मॉक टेस्ट्स। आई गिव यू फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स फ्रॉम माई साइड सो दैट आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इंडिया एग्जाम के परस्पेक्टिव से। जस्ट दैट डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस रेफरल कोड दैट इज antara.chuck23, जिससे आपको 10% की डिस्काउंट मिलेगी। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्लास और एनीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप लोग प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपका क्या डाउट्स है। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम बिकॉज इस चैनल पे मैं काफ़ी सारे रीडिंग मटेरियल्स टिप्स डाल रही हूँ आजकल। तो यू कैन फॉलो दैट टू एक्सेस ऑल द रीडिंग मटेरियल्स फ्रॉम दिस स्पेशल क्लास। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज मैं अन अकेडमी में मेन टीचर हूँ। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू
माई यूट्यूब चैनल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू सो मच.